हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज मैं आप लोगों के सामने LIC IPO को लेकर के एक ब्रीफ डिस्कशन लेके आया हूँ आपके सामने। ये हेल्प करेगा आपको ये डिसाइड करने में कि ये IPO में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। आज तक का डे टू यानी कि 5 मई 2022 तक का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। रिटेल इन्वेस्टर ने अभी तक 0.93 टाइम्स एंड पॉलिसी होल्डर्स ने 3.11 टाइम्स एंड एम्प्लॉइज 2.22 टाइम्स इन्वेस्ट कर चुके हैं। ये टोटल IPO से LIC को रेज करना है 20,600 करोड़। बिफोर IPO LIC रेज किया है फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स 5,627 करोड़। इसके बदले में LIC ने दिया है 59.3 मिलियन शेयर्स, जिसका प्राइस था ₹949 फॉर ईच शेयर, जो कि इस IPO का हायर प्राइस बैंड रखा गया है। और ये इंटरेस्टिंग है कि आउट ऑफ 123 एंकर इन्वेस्टर्स, 99 ऑफ देम वेर फ्रॉम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स। जो बेसिक फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग भी है वो है ये कि LIC इज द ओनली PSU इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद अदर 23 नंबर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। और इंश्योरेंस सेक्टर जो है ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। और करेंटली इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो इंडिया में है उसमें 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI रूट से इन्वेस्टमेंट परमिटेड है। और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का टोटल प्रीमियम 11% CAGR के रेट में ग्रो करता जा रहा है। ग्लोबली लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के हिसाब से LIC का पोजीशन है 5th एंड टोटल एसेट के हिसाब से LIC का ग्लोबल पोजीशनिंग है 10th। और जो भी ग्लोबल टॉप इंश्योरर्स हैं, LIC इज द ओनली इंडियन प्लेयर। नाउ इट्स टाइम फॉर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ LIC। आपके स्क्रीन के ऊपर फाइनेंशियल ईयर 2021 का मार्केट शेयर रखा गया है, जिसमें ये देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल पॉलिसीज में LIC का मार्केट शेयर है 71.8% और ग्रुप पॉलिसीज में LIC का मार्केट शेयर है 88.8%। पूरा लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का जो इंडिविजुअल एजेंट्स हैं उनका 55% एजेंट्स LIC के साथ जुड़े हुए हैं। न्यू बिजनेस प्रीमियम का मार्केट शेयर LIC के पास है 43%। न्यू बिजनेस प्रीमियम जो ग्रुप इंश्योरेंस का है उसमें LIC का मार्केट शेयर है 74%। और टोटल प्रीमियम के हिसाब से LIC का मार्केट शेयर फाइनेंशियल ईयर 2021 में था 64.1%। अनदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जबकि अदर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का यानी कि प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का एवरेज कॉस्ट रेशियो है 15.1% इन फाइनेंशियल ईयर 2021, उसमें LIC का है 14.2% कॉस्ट रेशियो। ये इम्पोर्टेंट है कि कॉस्ट रेशियो जितना लोअर होता है उतना अच्छा होता है कंपनी के लिए। और करेंटली 6.5 करोड़ पॉलिसी होल्डर का पैन के साथ LIC का पॉलिसी लिंक हुआ है। LIC एक डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर है एंड फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट है एंड इसका रेगुलेटरी सुपरविजन करता है IRDAI, SEBI, RBI
PFRDA एंड NHB एज वेल। करेंटली LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी का 45% शेयर एंड IDBI बैंक का 51% शेयर LIC के पास है। नाउ वी विल कम इनटू द बिजनेस डेटा। इन फाइनेंशियल ईयर 2021 LIC का इंडिया ऑपरेशन एंड आउटसाइड इंडिया ऑपरेशन फॉर ऑल प्रोडक्ट टाइप्स, इसमें हमको ये देखने को मिल रहा है कि टोटल प्रीमियम अर्निंग इन क्रोर्स इज 4,05,850 क्रोर्स, जिसमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 91.88% एंड क्लेम्स पेड आउट एज ए परसेंटेज ऑफ प्रीमियम वो है 46.69%। और LIC का लगभग 37 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है मल्टीपल एसेट क्लासेस में, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। LIC का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फाइनेंशियल ईयर 2021 में रह चुका है 8.66%। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? बिजनेस जो LIC में आ रहा है और जो प्रीमियम अर्न हो रहा है उसका रेशियो। ये और एक फैक्ट है कि LIC का टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है इसमें 32 टाइप्स का इंडिविजुअल पॉलिसीज है, 7 राइडर्स पॉलिसीज है, 11 ग्रुप पॉलिसीज हैं, जो कि सभी एज ग्रुप और उनके डिफरेंट नीड्स और उनका गोल के हिसाब से पूरा लाइफ टाइम को कैटर करता है। और ओवरऑल LIC का जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी है, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी है, सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी है, एन्युइटी भी है और पेंशन प्रोडक्ट भी है। नाउ इट्स टाइम फॉर पीयर कंपैरिजन। LIC इज मच लेस वल्नरेबल टू मार्केट वोलेटिलिटी एंड शॉक्स बिकॉज ऑफ मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स। इसमें ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स में LIC का ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है 0.2%, जो कि अदर प्राइवेट प्लेयर्स का एवरेज है 39.3%। तो इसमें LIC का शेयर 0.2% रहने की वजह से मार्केट में जो भी शॉक्स एंड वोलेटिलिटी आता है या आने वाला है उसमें से इस LIC को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसमें एक जो पीयर कंपैरिजन है इसमें टोटल प्रीमियम के हिसाब से अगर देखा जाए लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो 6,287 बिलियन का है, जिसमें LIC का शेयर है 4,033 बिलियन अलोन और अदर प्राइवेट प्लेयर्स का 2,254 बिलियन। Amongst other peer set, LIC's dominance is unparalleled globally, with no other life insurance player in any country enjoying such high market share in its geography. और financial year 2021 में LIC का return on equity था 82%, जो कि इनका global जो और life insurance companies हैं इसमें से highest है। ये स्क्रीन में आपको ये देखने को मिलेगा कि इंडिया में टोटल प्रीमियम के हिसाब से LIC का शेयर जो है मार्केट शेयर वो है 64.1% और अदर टॉप 5 प्राइवेट प्लेयर्स का है 24.8% एंड अदर्स का 11.1%। और न्यू बिजनेस प्रीमियम जो टोटल में है 2,782 बिलियन, उसमें LIC का मार्केट शेयर है 66.2%, अदर टॉप 5 प्राइवेट प्लेयर्स का है 24.1% एंड अदर्स का है 9.7%। ये स्क्रीन में आपको एक डिटेल एनालिसिस दिया गया है जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो टॉप 5 प्राइवेट प्लेयर्स एंड LIC का इंडिविजुअल न्यू बिजनेस प्रीमियम और इंडिविजुअल पॉलिसीज़ का जो परसेंटेज है मार्केट शेयर का
वो स्क्रीन के ऊपर है। और इसमें भी ये आपको देखने को मिलेगा कि अर्बन एंड रूरल बोथ एरियाज में LIC का डोमिनेंस है। रिस्क क्या क्या है? रिस्क ये है कि ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन नहीं है, तो कोई भी किसी का प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन को कॉपी कर सकता है। 2016 टू 2021 के बीच में प्राइवेट इंश्योरेंस का प्रीमियम ग्रो किया है एट ए CAGR ऑफ 18%, लेकिन वो LIC के केस में है 9%। तो देयर इज ए स्लो ग्रोथ रेट इन कंपैरिजन विद द प्राइवेट प्लेयर्स। और ड्यूरिंग COVID-19 पेंडेमिक ये देखा गया है कि LIC का एबिलिटी टू सेल प्रोडक्ट्स और बढ़ती महंगाई के चलते और रेगुलेशन चेंज जो हो रहा है इंटेंसली और लॉज के चेंज होने के लिए, ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अफेक्ट किया है और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को अफेक्ट किया है टोटल ऑर्गेनाइजेशन वाइज। और ये स्क्रीन में आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रीमियम CAGR के हिसाब से LIC और SBI लाइफ, HDFC लाइफ एंड ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का टोटल प्रीमियम, न्यू बिजनेस प्रीमियम एंड रिन्यूअल प्रीमियम का मार्केट शेयर ग्रोथ रेट। तो इसमें से SBI लाइफ और HDFC लाइफ का ग्रोथ रेट LIC से बहुत ज़्यादा है, टोटल प्रीमियम में भी और न्यू बिजनेस प्रीमियम में भी और रिन्यूअल प्रीमियम में भी। ये दो कंपनी का LIC से ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। तो LIC का बिजनेस को जो ड्राइव करेगा आगे और इसका जो फ्यूचर, इसका अगर एनालाइज किया जाए और LIC ने जो DRHP फाइल किया था SEBI के पास, उसमें से ये सब मेंशन है कि टोटल रूरल एरिया में इंडिया में जो पॉलिसीज सेल होता है लाइफ इंश्योरेंस का, उसमें से 71% ऑफ द ऑल पॉलिसीज सोल्ड आर फ्रॉम LIC। और एक क्रिसिल का स्टडी ये बोलता है कि 2015 में इंडिया में मोर देन 60 ईयर्स एज का पॉपुलेशन था लगभग 116.8 मिलियन, जो कि 2050 में होने वाला है 316.8 मिलियन। तो ये ग्रो करेगा 9% से 17% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को। तो आगे जा करके बहुत ज़्यादा ग्रोथ और पेंशन फंड्स एंड अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का जो नीड है वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज करेगा। और धीरे धीरे फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रहा है और इसके चलते इंडिविजुअल इंश्योरेंसेस, सेविंग्स, रिटायरमेंट प्लानिंग और आजकल सभी एम्प्लॉयर्स भी इंश्योरेंस ऑफर कर रहे हैं, और इसके चलते न्यू बिजनेस प्रीमियम एंड रिन्यूअल प्रीमियम भी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। लास्टली IPO प्राइस जो डिस्काउंट्स है, ये आपको मालूम रहेगा, किसी को मालूम नहीं रहेगा, तो इसके लिए मैंने आपका इन्फॉर्मेशन के लिए इसमें डाल दिया है। LIC IPO का जो लॉट साइज है वो 15 शेयर्स में एक लॉट बनता है और इसका प्राइस बैंड है 902 रुपीज़ से 949 रुपीज़ तक। जो भी LIC का पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको 60 रुपीज़ पर शेयर में डिस्काउंट मिलेगा और रिटेल इन्वेस्टर और एम्प्लॉयज़ को 45 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट मिलेगा। जब आप IPO पे अप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब जिस कोटा से अप्लाई करेंगे उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। लास्टली इन माई क्लोजिंग कमेंट्स, इकोनॉमिक टाइम्स में LIC IPO इशू से रिलेटेड किसी पर्सन का ये कहना था कि मैं जस्ट उसको उनको कोट कर रहा हूँ, द मेन रीज़न वी आर एक्सपेक्टिंग स्ट्रॉन्ग रिटेल डिमांड इज दैट द LIC IPO इज प्राइज्ड चीप। We have kept money on the table to ensure that the investors enjoy listing gains from day one.
ये तो फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन एल आई सी IPO का प्राइस तो चीप है ही है, और लिस्टिंग गेन हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये बहुत सारे जगहों से सब्सक्रिप्शन रेटेड रेट किया गया है, और मैं भी इसमें सब्सक्राइब करूँगा। आपका डिसीजन आपको खुद लेना है। मुझे ये लगता है कि मैंने जो ब्रीफ डिस्कशन आपके साथ में किया है वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, और मैंने जो भी डेटा इधर यूज़ किया है वो LIC का ड्राफ्ट रेटिंग प्रोस्पेक्टस जो सेबी के पास ने LIC फाइल किया था उसमें से लिया गया है। थैंक यू वेरी मच।